हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RSPS ऑनलाइन क्लासेस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपशैली एंड आई एम योर साइंस टीचर। आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर चैप्टर 4, द एनिमल वर्ल्ड्स। एनिमल वर्ल्ड्स, ओके। There are different kinds of animal in the world. They are different shape, size and colors. Some are big animals, some are small animals. Elephant, giraffe, bear, kangaroo are some example of big animals. And fox, rabbit, cat, dog are some small animals. Okay, now animals divide into some categories, so let's start first wild animals. Okay, wild animals means jungli janwar. Some animals that live in deep forest and so they are called wild animals. We can see wild animal in zoo or national parks. Some example of wild animal: lion, tiger, elephant, bear, giraffe, deer are some example of wild animal. Wild animal is very dangerous for humans. Okay, next some hai domestic animals matlab paltu ya gharelu janwar. Some animals live with man, they work from man, they carry heavy loads, they give us food. They are called domestic and useful animals. Example: cow, sheep, goat, hen, horse, donkey are domestic animals. Okay, cow, dog are some example of domestic animals. Okay, now some animals like fish. Okay, fish, some animals like fish, octopus, whale, shark, starfish, है ना, सी हॉर्स, क्रोकोडाइल कैन लिव इन वॉटर, दे आर कॉल्ड वॉटर एनिमल्स. ओके, सो सम एग्जाम्पल ऑफ वॉटर एनिमल्स: ऑक्टोपस, फिश, सी हॉर्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वॉटर एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं वाटर एनिमल्स. ठीक है ना, जो पानी में ही रहते हैं, पानी में ही पैदा होते हैं, पानी में ही अपनी लाइफ को एंड करते हैं. उनका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो स्ट्रगल होता है पानी के ही अंदर. तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं वाटर एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट है सम एनिमल्स लाइक frog, turtle, snake live on land and in water. They are called amphibians. Amphibians means उभयचर. ऐसे animals जो land पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उनकी body इस तरीके से अपने आप में एडप्ट है
कि वो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल, डक, ठीक है ना, स्नेक, टर्टल, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं. फ्रॉग हो गया आपका, डक हो गया, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं. एम्फीबियंस को हिंदी में कहते हैं उभयचर, मतलब कि लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. दोनों कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती हैं. वो लैंड पे भी रह सकते हैं, उन्हें लैंड पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो पानी में रहना चाहें तो वो पानी में भी रह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स, बर्ड्स तो आप सबने देखी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स होती हैं, ठीक है ना. बर्ड्स आर एनिमल दैट कैन फ्लाई, ठीक है ना. बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, ठीक है ना. और बर्ड्स जो हैं वो दिखने में भी बहुत सुंदर होती हैं, है ना. बर्ड्स हैव सम फीचर्स, स्पेशल फीचर्स फॉर फ्लाई, ठीक है. बर्ड्स हैव होलो बोन्स, लाइट वेट बॉडी, ओके. बर्ड्स हैव फैदर, बर्ड्स हैव ब्रिक एंड टेल टू बैलेंस फॉर फ्लाई, ओके. बट सम बर्ड्स हैव नॉट फ्लाई, ओके. कीवी, कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन, दे आर बिग बर्ड्स, ओके. दे आर, दे कैन नॉट फ्लाई, दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, ओके. ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट बर्ड, ओके. सो दे आर नॉट फ्लाई. नाउ बर्ड जो होती हैं वो उड़ सकती हैं, उनमें उड़ने के लिए स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं. इन स्पेशल फीचर्स में क्या होता है, उनके लिए पंख होते हैं उड़ने के लिए, उनकी हड्डियाँ बोन्स हल्की होती हैं जिससे वो उड़ सकते हैं, ठीक है ना. इसके बाद उन पे उनको टेल दी जाती है जिससे वो उड़ते वक्त अपना बैलेंस बना सकते हैं. इसके अलावा कीवी, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच ऐसी बर्ड होती है जो बर्ड की कैटेगरी में तो आती है पर वो उड़ नहीं सकती है. ऑस्ट्रिच जो होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड होती है. नाउ लास्ट जो हमारा है इंसेक्ट, ठीक है. इंसेक्ट, इंसेक्ट आर टिनी क्रिएचर. मैनी इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग, सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई. अ स्पाइडर, अ स्पाइडर एन इंसेक्ट विथ एट लेग्स. वी लाइक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हैव कलरफुल विंग्स, ओके. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो छोटे टिनी क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स की कैटेगरीज में ही आते हैं. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी सिक्स लेग्स होती हैं, बट कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एट लेग, मीन्स टू स्पाइडर जो है उसकी एट लेग होती है. इसके बाद इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें बटरफ्लाई आ गया, हाउस फ्लाई आ गई है, हनी बी आ गए आपके, तो ऐसे आंट, ये सारे इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं. नाउ आवर चैप्टर 4 द एनिमल वर्ल्ड इज फिनिश्ड. थैंक यू.